हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एंजाइटली से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो जो मैंने एंजाइटली से क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, ये वीडियो नंबर 3 है। पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 1 और 2, ये 3rd है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने करेक्शन किया है, पहले क्वेश्चन में सेकेंड वीडियो पे में लैम्डा दे रखा था, वहाँ कॉस थीटा माइनस प्लस आई साइन थीटा आइगन वैल्यू पूछी गई थी, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिविंग थी क्वेश्चन नंबर 2 में, जो मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर e की पावर प्लस माइनस आई थीटा कर लें, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस e की पावर आई थीटा किया था, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली आंसर भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम e की पावर आई थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आइगन वैल्यू हो जाएगी। और जब हम e की पावर माइनस आई थीटा को लेंगे तो ये कॉस और एंगल में आ जाएगा माइनस थीटा प्लस आई साइन और माइनस थीटा, कॉस एंगल में माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और साइन माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा माइनस आई थीटा जो है वो ई की पावर माइनस आई थीटा में आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर जो लैम्डा आइगन वैल्यू होगा वो ई की पावर आई थीटा और ई की पावर माइनस आई थीटा होगा। वो मैंने गलती से यहाँ पे प्लस माइनस साइन यहाँ ले लिया था और यहाँ ई की पावर आई थीटा किया था, तो इस पर करेक्शन कर लें। और बाकी जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही था। तो ये मैं बताता भी रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो मुझे बता दें, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे रिपीट हो जाते हैं पेपर में और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का स्टूडेंट्स का कोई भी नुकसान हो, तो इसलिए मैंने ये सॉल्यूशंस को करेक्ट किया है। एग्जाम्पल 1.21 डिस्कस कर रहा हूँ, पहली प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की वीडियो में जो पहला प्रॉब्लम है वो है फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5 नैनोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन दैट आर एट रेस्ट इफ द फोटोन स्कैटर्स एट 60 डिग्री रिलेटिव टू द इंसिडेंट फोटोन, कैलकुलेट कॉम्पनसेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और एंगल एट विच इलेक्ट्रॉन रिकॉइल। तो कॉम्पटन इफेक्ट पर क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एग्जाम्पल 1.21 है, अनसोल्व प्रॉब्लम्स है एनजेटी से। तो कॉम्पटन इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा वो होता है h/m log c और ब्रैकेट में 1 cos θ, थीटा है स्कैटरिंग एंगल होता है और h/m log c को हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू है उसे लैम्डा सी से नोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो इसको ऑलवेज याद रखें h/m log c की वैल्यू, वहाँ पेपर में सॉल्व ना करें, हमें याद ही होनी चाहिए। तो 0.0243 h/m log c की वैल्यू रख दें। 1 cos θ में थीटा 60 डिग्री दिखा रखा है, थीटा में याद रखें कि जो ये एंगल दिखा स्कैटर्ड एंगल थीटा होता है, तो फोटोन जो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से जितना स्कैटर्ड होकर जाता है स्क्रीन के ऊपर वो एंगल स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। एक मैंने डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जैसे हमारा ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फोटोन आके इम्पोज होता है, तो जो ये फोटोन है जो स्कैटर्ड होकर यहाँ से जाता है ये एंगल तो हमारा थीटा कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से रिकॉइल होकर आता है ये एंगल जो हमारी अगर इसे एक्स एक्सिस लें तो ये एंगल हमारा फाई कहलाता है। तो ये इन थीटा और फाई में आपस में रिलेशंस भी होता है, वो भी हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की जो वैल्यू है डेल्टा लैम्डा, लैम्डा डैश जो है वो स्कैटर्ड एंगल की वेवलेंथ होगी और लैम्डा ओरिजिनल जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ होगी। और यहाँ पे h/m log c की जगह पे 0.0243 रखते हैं, 1 cos 60 करते हैं क्योंकि थीटा हमें यहाँ पे 60 दे रखा है, तो थीटा हमारा स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। और स्कैटरिंग एंगल जो होता है जो फोटो है जो उसके अपनी ओरिजिनल पोजिशन से जितना स्कैटर्ड होकर एंगल बनाता है उसे हम स्कैटर्ड एंगल थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा की जगह पे 60 रख देंगे, इसे सॉल्व कर दें तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारी 0.012 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा डैश जो होगा वो हमारा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, क्योंकि इसको हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को डेल्टा लैम्डा कहते हैं चेंज इन वेवलेंथ। तो जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो कट जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता है, और जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेंटली जो अगर होता है वो लो एटॉमिक नंबर के जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें प्रीडोमिनेंटली होता है, और एक्सरे का फिनोमिना है तो ये याद रखें। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका एग्जिस्टेंस फिनोमिना में बना रहता है जब कोलिजन होता है, जबकि फोटोन में जो फोटोन है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम लैम्डा डैश की वैल्यू लेंगे लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पर 0.5 कर दें क्योंकि नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके इसे 0.5 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर जो चेंज इन वेवलेंथ है वो 0.012 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 0.512 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ जाएगा इसका टाइप जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ का। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और
जो स्कैटर फोटोन की एनर्जी है उसके डिफरेंस के इक्वल होगी। तो एस सी अपॉन लैम्डा जो एनर्जी होगी वो इंसिडेंट फोटोन की होगी, और एस सी अपॉन लैम्डा जैसे एनर्जी जो होगी वो स्कैटर फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी होगी। तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होगा। तो एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा टेस्ट कर दें, ये हमारा सॉल्व करके जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एस सी, और ब्रैकेट में ऊपर आ जाएगा लैम्डा टेस्ट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा टेस्ट। उसके बाद हमें लैम्डा की वैल्यू पता है क्वेश्चंस के अंदर 0.5 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा टेस्ट की वैल्यू हमें पता है, सॉल्व की है हमने 0.512 एंगस्ट्रॉम। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, एच की जगह पर 6.62 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड, सी की जगह पर 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब हमारा आंसर आएगा, जब हम एम के सीमेंट में सब डायमेंशन यूज कर देंगे तो हमें जूल में मिलेगा, और 1.6 × 10⁻¹⁹ से जब उसे डिवाइड कर देंगे जूल को तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर ऑप्टेन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व कर लें, पूरी कैलकुलेशंस को सॉल्व करें। उसके अलावा जो हमारा एंगल है जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करेगा, तो ये एक्सप्रेशंस ऑलवेज याद रखें कि जो हमारा ये एंगल थीटा होता है, इसका कट एंगल जो फोटोन जितना एंगल इसका कट होकर जाता है, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, इन दोनों फाई और थीटा के बीच में रिलेशन होता है टेन फाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, थीटा हमारा दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर 60, तो यहाँ साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो हम जानते हैं √3/2 होगी। उसके बाद लैम्डा डैश की वैल्यू 0.512 एंगस्ट्रॉम रख दें, लैम्डा की जगह पे 0.50 रख दें, उसके बाद कॉस 60 की जगह पे हाफ रख दें। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से थीटा फाई बराबर टेन इनवर्स से एंगल पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर रखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को सदा रिमेंबर रखें, और ये हमारा कॉन्टेन वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा सी एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू को 0.0243 एंगस्ट्रॉम रिमेंबर रखें। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल 2.2 है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ब्रैकेट पर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। कंसीडर टू सेट, इसमें टेक्स्ट दे रखा है, हमारा वेव फंक्शन है साई वन साई टू, और इसको मैं फाई वन फाई टू और फाई थ्री कहूँगा। तो ये हमारा फाई वन और प्लस फोर आई प्लस फाइव, और ये हमारा जो फाई वन फाई टू फाई थ्री कैट फॉर्मेट नोट किया गया है। उसी तरीका से वेव फंक्शन साई टू कैट फॉर्मेट नोट किया गया है, बी और फोर और माइनस थ्री आई ये हमारे स्केलर पैरामीटर्स हैं। इसके साथ में हमारा ये फाई वन और फाई टू और फाई थ्री इसके साथ अटैच्ड हैं। ये जो ऑर्थोनॉर्मल कैट्स हैं, ये जो फंक्शन दे रखे हैं फाई वन फाई टू और फाई थ्री, और साई वन साई टू जो है इनके सुपरपोजिशन से बने हैं फाई वन फाई टू फाई थ्री से। तो इसमें जो ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो वो ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी के लिए हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा कैट्स है उसको ग्राफ फॉर्म में लिख लेंगे साई टू को, और साई वन को हम कैट फॉर्म में रहने देंगे। अगर ये वैल्यू जीरो है तो ये ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी हमारी होगी। तो इसको जो ये फॉर्म है जो हमारा वेव फंक्शन है साई टू जो हमारा यहाँ पे कैट फॉर्म में दिखा रखा था, तो इसे ग्राफ फॉर्म में बना लेंगे। ग्राफ फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी क्वांटिटी इसके अंदर आई जहाँ पर होता है उसे माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये तो हमारा बी और ये एस सच आ जाएगा, ये हमारा कैट का ग्राफ फॉर्म बन जाएगी फाइव एन की, और उसी तरीका से ये हमारा फोर और इसकी जो फॉर्म है वो हमारी कैट से ग्राफ बन जाएगी साई टू, और माइनस थ्री आई जो प्लस थ्री आई से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि आई को माइनस आई थ्री ले लेंगे, और ये हमारा फाई थ्री हो जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशंस हो जाएगा दिस वन का, उसके बाद इसको एस एच लिख लेंगे जो हमारा यहाँ साई वन था उसको एस एच लिख लेंगे, इनको आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि हमारा जो ग्राफ फाई आई है और फाई आई अगर ये वैल्यूज वन हैं, अगर ये आपस में इक्वल हैं, और अगर ये आपस में इक्वल नहीं होते तो जीरो होगी। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो ये वैल्यू वन होगी, इसका इसके साथ और इसके साथ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बी मिलेगा हमें। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हमारा 16 आई हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से वन मिल जाएगा, और इसका इसके साथ और इसके साथ जीरो हो जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके। उसके साथ हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये जीरो होगा, इसको इसके साथ लेंगे तो जीरो होगा, जब इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 15 आई होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में ब्रैकेट का प्रोडक्ट होकर ये वन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 15 आई हो जाएगा, और यहाँ से बी ऑप्टेन होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, यहाँ से 16 आई और यहाँ से हमें मिलेगा 15 आई, तो बी प्लस 31 आई की वैल्यू जीरो होगी, और बी यहाँ से हमें
-31 आइए कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा जाता है कंपटीशंस की दुनिया में। अगला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.7 है अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, वो ली गई है ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर से क्वेश्चन आते रहते हैं रेगुलर, तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैंने अभी याद कर ली हुई है। तो एल जेड और कॉस फाइव की ये वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू साइन फाइव के इक्वल होती है। तो एंगल में हमें एल जेड की वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू माइनस आई एस क्रॉस के लोअर डेल फाइव होती है। तो यहाँ से एल जेड कॉस फाइव इसको ऑपरेटर ए और इसकी वैल्यू को बी ले लें, तो ए बी फाइव जो होगा वो हमारा यहाँ पे वे फंक्शन साइज ऑपरेट करा दें, तो ए बी जो होगा कम्यूटेटर में वो ए बी माइनस बी ए होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करें, यहाँ से ए को ही जगह पे एल जेड ले लें और बी की जगह पे कॉस फाइव ले लें। तो यहाँ से एल जेड कॉस फाइव फाइव होगा, इसको ऑपरेट करा दें और माइनस कॉस फाइव एल जेड फाइव होगा। तो ये इसको वे फंक्शन को मैं साई से नोट करता हूँ, उसको साई बोलते हैं, और एंगल को यहाँ पर जो मैंने ले रहा हूँ उसको फाइव बोला है मैंने। तो यहाँ एल जेड कॉस फाइव और यहाँ पे साई होगा, ऑपरेट हमने कर रखा है, तो एल जेड कॉस फाइव साई माइनस कॉस फाइव एल जेड और साई। तो यहाँ से एल जेड की वैल्यू पुट कर दें, माइनस आई एस क्रॉस डेल ओवर डेल हम यहाँ पर फाइव ले यूज करें और कॉस फाइव और ये जो हमने वेव फंक्शन ऑपरेट करा रखा है उसको ले लें, माइनस कॉस फाइव एल जेड की वैल्यू रख दें माइनस आई एस क्रॉस डेल ओवर डेल फाइव। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लें, जब हम इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के इसको ऑपरेट कराएंगे डेल ओवर डेल फाइव को, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस आई एस क्रॉस माइनस साइन फाइव और साई माइनस आई एस क्रॉस कॉस फाइव और डेल साई अपॉन डेल फाइव, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको एस एस लिख दें। उसके बाद इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल करें, तो ये आई एस क्रॉस साइन फाइव और साई हमें ऑप्टेन होगी, साई साई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो कम्यूटेटर की वैल्यू है वो आई एस क्रॉस साइन फाइव हमें ऑप्टेन हो जाएगी। तो इस तरीका से ये वैल्यू हमें हम इसे शो कर पाएंगे। उसी तरीका से एल जेड साइन टू फाइव को हमें दिखाना है टू आई एस क्रॉस और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, तो यहाँ से भी हम इसे दिखा सकते हैं सिमिलर वे से। तो इसे इस मेथड से भी सॉल्व करें और एक इस मेथड से भी सॉल्व करें कि जो हमारे पास में कम्यूटेटर ए और अगर ये दो ऑपरेटर बी सी हैं तो इनको हम लिख सकते हैं बी कम्यूटेटर ए सी प्लस कम्यूटेटर ए बी और सी। याद रखें कि कम्यूटेटर ए सी की वैल्यू ए सी माइनस सी ए होगी, कम्यूटेटर ए बी की वैल्यू ए बी माइनस बी ए होगी। तो यहाँ पे हम इसे साइन टू फाइव को टू साइन फाइव कॉस फाइव कर लेंगे, टू साइन फाइव को हम रख देंगे उसकी जगह पर बी और साइन टू साइन फाइव की जगह पर रख देंगे बी और कॉस फाइव की जगह पर सी ले लेंगे। इसमें पुट करके देखें तो ये आंसर हमें ऑप्टेन हो जाएगा। इसे होमवर्क में सॉल्व कर लें और साथ साथ ये भी याद रखें कि इसी पैटर्न से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 का जो पैटर्न है अप्रॉक्स सेम है, तो इसको भी सॉल्व करके देखें। एग्जाम्पल 3.1 डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी ये फेमस बुक है एन जे क्यू सी से। तो इसमें वेव फंक्शन साई एक्स दे रखा है 1/√5a साइन पाई एक्स अपॉन ए प्लस 2/√5a साइन 3πx अपॉन ए। तो ये पार्टिकल के बॉक्स की प्रॉब्लम है, इनफाइनाइटली पोटेंशियल वॉल में पार्टिकल है और जो पार्टिकल की जिस बॉक्स के अंदर है उसकी लेंथ ए है। तो यहाँ जो हम P1 P3 प्रॉबिलिटी पूछी है n बराबर 1 और n बराबर 3 स्टेट में साई एक्स की निकालें, एनर्जी निकालें, रिलेटिव प्रॉबिलिटी निकालें। तो रिलेटिव प्रॉबिलिटी मैं सबसे पहले बताऊंगा हम कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ से हम वेव फंक्शन हम देख रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है पार्टिकल इन बॉक्स का वो होता है अगर लेंथ ए है √2a अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे n के बराबर 1 और n बराबर 3 इन दोनों स्टेटों में पार्टिकल है, तो याद रखें कि यहाँ पे जो पार्टिकल की प्रायिकता होगी वो बाकी की स्टेटों में जीरो होगी, केवल प्रायिकता या तो n बराबर 1 स्टेट में होगी या n बराबर 3 स्टेट में होगी, क्योंकि वेव फंक्शन जहाँ एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर प्रायिकता होगी, जहाँ पर वैल्यू उसकी जीरो होगी वहाँ पर प्रायिकता जीरो होगी। तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 को जो प्रायिकता होती है वो हम जानते हैं, प्रायिकता जो मॉड साई स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे साई 1 स्क्वायर अपॉन साई 3 स्क्वायर रख लें, यहाँ से जब हम इन दोनों कोफिशेंटों को साथ लेकर चलेंगे क्योंकि √2 अपॉन ए और √a बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ भी ऐसा ही करें √2 अपॉन ए और a बाई √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉर्मलाइज्ड वैल्यू पता चल जाएगी वेव फंक्शन की। उस जो हमारे पास में वो कॉन्स्टेंट होगा उसे C1 ले लेंगे और बाकी जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ जाएगा n बराबर 1 स्टेट में। उसी के अलावा जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी √2 अपॉन ए के अलावा उसको हम C3 ले लेंगे और
जो वेव फंक्शन हमारा आ जाएगा उसको हम साई थ्री एक्स ले लेंगे। तो एन बराबर वन और एन बराबर थ्री में हमें जो सी वन और सी थ्री होंगे उसमें मॉक सी वन स्क्वायर जो होगा वो प्रोबेबिलिटी देगा एन बराबर वन स्केप में, और मॉक सी थ्री स्क्वायर जो है वो एन बराबर थ्री में देगा। या हमारे पास डायरेक्ट मेथड है उसी को अडॉप्ट करें, मैंने ही डायरेक्ट से किया है, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ नए कंसेप्ट भी सिखा दूँ। तो पी वन अपॉन पी थ्री को सीधा यहाँ पे जो हमारे यहाँ कोफिशिएंट दे रखे हैं उनमें कोफिशिएंटों को सीधा जो ये वैल्यू है ये एन बराबर वन और एन बराबर थ्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को और इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को सिंपली आपस में डिवाइड कर दें, क्योंकि रूट टू अपॉन ए रूट टू अपॉन ए जो कोफिशिएंट इसके साथ आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उससे कोई ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्रायिकता पे, तो अनइफेक्टिव रहेगा उससे। तो हम सीधा ही इसे क्या करें इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को सीधा हम डिवाइड कर दें, वो हमारी प्रायिकता की रेशो कैलकुलेट हो जाएगी पी वन और पी थ्री स्केप में। तो पी वन अपॉन पी थ्री की जो वैल्यू आएगी वो वन अपॉन रूट फाइव का स्क्वायर और टू अपॉन रूट फाइव का मॉड स्क्वायर, और रूट फाइव और रूट फाइव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और वन का मॉड स्क्वायर वन होगा, टू का मॉड स्क्वायर जो होगा वो फोर हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वन अपॉन फोर स्केप ये प्रायिकता की रेशो पता चल जाएगी। तो पार्टिकल की प्रायिकता पी वन एन बराबर वन स्केप में, पी थ्री एन बराबर थ्री स्केप में, इन दोनों की रेशो वन बाई फोर है। पार्टिकल दोनों स्टेटों में है, या तो वो एन बराबर वन में है या एन बराबर थ्री में वेव फंक्शन बता रहा है, तो पी वन प्लस पी थ्री को वन कर दें। यहाँ से हमें पी वन की वैल्यू जैसे ही पी थ्री की जगह पर हम यहाँ से रख पाएंगे, पी थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर पी वन यहाँ पुट कर दें, तो फोर पी वन प्लस पी वन इजकल टू वन, तो फाइव पी वन इजकल टू वन, पी वन की वैल्यू हमारी जो कैलकुलेट होगी वो हमें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। पी थ्री की जगह पर हम यहाँ से ले पाएंगे पी थ्री बराबर पी वन प्लस पी थ्री की जगह पर रख दें फोर पी वन इजकल टू वन, तो फाइव पी वन की जगह पर वन आ गया, पी वन वन बाई फाइव आ जाएगा। तो प्रायिकता एन बराबर वन स्केप में हमें जो ऑप्टेन हो जाएगी वो वन बाई फाइव। उसी तरीका से जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे पी वन की वैल्यू को तो पी थ्री हमारा फोर बाई फाइव होगा। तो एन बराबर वन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता एक बटे पाँच और एन बराबर थ्री में पाए जाने की प्रायिकता फोर अपॉन फाइव होगी। एक्सपेक्टेशन ही हमें चाहिए तो ई वन पी वन प्लस ई थ्री पी थ्री कर दें, पी वन की जगह पर वन बाई फाइव ले लें, पी थ्री की जगह पर फोर अपॉन फाइव ले लें। ई एन जो होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर होगा, तो एन बराबर वन के लिए यहाँ पे ई वन ले लें पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर, और जो हमारा ई थ्री होगा वो हो जाएगा एन बराबर थ्री में जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हो जाएगी नाइन पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर। तो यहाँ से ई वन और ई थ्री इस एक्सप्रेशन से ले लें एन बराबर वन और एन बराबर थ्री रखकर, और पी वन और पी थ्री हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ही हमें एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी कि टोटल एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी। तो यहाँ से एनर्जी निकाल लें, साई एक्स की अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सी वन साई वन ई की पावर माइनस आई ई वन टी अपॉन एच कट प्लस सी थ्री साई थ्री ई की पावर माइनस आई ई थ्री टी अपॉन एच कट हो जाएगा। साई वन साई थ्री यहाँ पे नॉर्मलाइज जो हमारा वेव फंक्शंस होगा जो यहाँ से हमें ऑब्टेन कर लेना है वो वैल्यू होंगी, और सी वन और सी थ्री में मॉक सी वन स्क्वायर इस स्केप में पाई जाने की प्रायिकता मॉक सी थ्री स्क्वायर इसमें होगी। ई वन और ई थ्री की जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन से हम पुट कर सकते हैं, तो ये साई एक्स की ऑप्टेन कर लेंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं, साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारे पास पार्टिकल इन ए बॉक्स होता है उसके अंदर एक्सपेक्टेशन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी होती है एल बाई टू अगर लेंथ एल है, और अगर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर होता तो उसकी वैल्यू होती है एल स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एल स्क्वायर अपॉन टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस भी ऑलवेज रिमेंबर रखें, मैं यहाँ पर फिर से लिखे दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन एक्स जो होता है वो एल बाई टू होता है और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एल स्क्वायर अपॉन टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होती है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस ऑलवेज याद रखें अगर लेंथ एल है, अगर लेंथ एल की बजाय ए है तो यहाँ पे एल की जगह पे ए पुट कर दें। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, एक्सपेक्टेशन पी जो होता है पार्टिकल ने बॉक्स में वो जो वैल्यू होती है उसकी वो हमारी जीरो होती है, क्योंकि पार्टिकल के जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव, जब वो जीरो से लेकर एल की तरफ चलता है तो पॉजिटिव मोमेंटम, और जब कॉलिजन करता है वॉल से वापस होता है तो मोमेंटम नेगेटिव होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है तो वहाँ पर जो नेट मोमेंटम आता है वो जीरो आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इफेक्टिव वीडियो मैं ये तैयार की है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये जो वीडियो हैं सभी मेरी तरफ से उन गांव के बच्चों को समर्पित हैं जो गाइडेंस के भाव में रहते हैं, कोशिश करें कि इसके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।